हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, राशन कार्ड की वेबसाइट चेंज होने के कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले दोस्तों उनकी जो राशन कार्ड की पर्ची थी वो आसानी से निकल जाती थी राशन कार्ड की लिस्ट में, और दोस्तों अब जो प्रोसेस है उसमें दोस्तों आपको OTP से उतरना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों अब जो नया अपडेट आया है कल ही परसों में हाल ही में, तो अब दोस्तों आपकी जो राशन कार्ड की पर्ची है वो भी निकलने के साथ साथ आपकी राशन कार्ड की जो लिस्ट है उसमें भी चेंजेस कर दिए गए हैं। राशन कार्ड की जब भी आप लिस्ट निकालते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको आपका जो राशन कार्ड नंबर है कुछ इस तरीके से शुरू के अक्षर, और उसके बाद दोस्तों बीच के अक्षर कुछ इस तरीके से XXXX करके, और यहाँ पर इस तरीके से आपका राशन कार्ड नंबर दिया गया होता है। तो इसमें दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे लोगों को अपना राशन कार्ड नंबर नहीं पता है, उनका राशन कार्ड खो गया है या फिर पर्ची कहीं भी खो गई है तो उनको अपना राशन कार्ड नंबर भी नहीं पता है, तो वह किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले दोस्तों आप अपनी लिस्ट में जाकर अपना नंबर निकाल सकते थे, लेकिन दोस्तों लिस्ट में भी हम आपका जो राशन कार्ड नंबर है उसको कुछ ही अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी बीच के अक्षर सारे हाइड कर दिए गए हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेकर दोस्तों मैंने एक यहाँ पर एक वीडियो को इस तरीके से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके और आप भी अपना राशन कार्ड नंबर निकाल सकें और राशन कार्ड की पर्ची को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है, आपको आना है अपने मोबाइल फ़ोन के जो भी आपका प्ले स्टोर होता है उसको आपको ओपन कर लेना। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद साथियों आपको उसमें अपने सर्च वाले बॉक्स में सर्च करना है मेरा राशन। जैसे हम इस ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, ये दोस्तों मेरा राशन ऐप है, आपको क्या करना है इसे इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन वाले बटन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन कर लेते हैं तो अब दोस्तों ये जो ऐप है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना राशन कार्ड नंबर निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया गया है आधार सीडिंग का, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं राशन कार्ड आधार सीडिंग, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है राशन कार्ड नंबर और दूसरा मिलता है आधार कार्ड संख्या। तो अब दोस्तों जिनके भी नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, चाहे उनका दोस्तों राशन कार्ड का आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, या फिर दोस्तों आप उनके जो राशन कार्ड में जो मेम्बर ऐड हैं उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, दोनों में से किसी एक का डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, एंड उसके बाद दोस्तों इस वाले बॉक्स में उनका आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर नंबर को फिल कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को फिल कर दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबमिट का जो बटन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करेंगे दोस्तों हमारा जो राशन कार्ड नंबर है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर मिल जाएगा, दोस्तों मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से थोड़ा सा हाइड कर दिया है, बट आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन मिल जाएगा। सबसे पहले मिलेगा आपको अपना मूल राज्य, उसके बाद जिला, उसके बाद दोस्तों योजना आपका कौन सा है, पात्र गृहस्थी है या फिर दोस्तों अंत्योदय है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर, ये दोस्तों आपका राशन कार्ड नंबर इसके सामने जस्ट आ जाएगा। दुकान संख्या भी मिल जाएगी, और इसके बाद से नीचे जितने भी सदस्य होंगे वो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी राशन कार्ड नंबर को यहाँ से नोट कर लीजिए। और दोस्तों पर्ची निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी प्रोसेस बता रखा है, अगर आप बिना OTP के निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने जो भी गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसमें आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर NFSA टाइप करना है, इस तरीके से NFSA टाइप करने के बाद दोस्तों इसे सर्च कर देना है। सर्च करते दोस्तों आपको यहाँ पर एक पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, नो योर राशन कार्ड स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये दोस्तों बिना OTP का है, अगर आपके राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप FCS के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर OTP के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये दोस्तों मैं बिना OTP वालों को बता रहा हूँ, इसमें आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद आपका जो राशन कार्ड का पर्ची है नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आसानी से यहाँ से अपने राशन कार्ड नंबर को निकाल सकते हैं, पर्ची निकाल सकते हैं, और दोस्तों अपने जो भी राशन है कोटे से आसानी से ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए आप किस प्रकार से अपने राशन कार्ड को निकाल सकते हैं, राशन नंबर को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी पर्ची भी खो गई है तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फालतू के कमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने आधी वीडियो देखी और आधी वीडियो देखने के बाद फालतू के कमेंट किए और चले गए, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी यहाँ पर ना आए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।